Yes, write down. If the center of the circle is 3, 5, if the center of the circle is 3, 5, and the end points of the diameter are, diameter दिया हुआ है, इसके end point दे रखे हैं 4, 7 और 2y, find y. क्वेश्चन करो, क्या हुआ है? मुझे दे देना, रेड है. ठीक है ठीक है, 3 है. अरमान चुप कर जा बिल्कुल. मास्क कहाँ है? मास्क लगाओ. ये आवाज क्यों आ रही है? मैम एक्चुअली रिफ्लेक्शन से व्यू क्लियर नहीं है बिल्कुल भी. मैम क्लियर नहीं आ रहा इस पे. करना एक बार ऑन जरा. इस केस में ना कोई एग्जाम्पल लेके देख लेना.
फर्स्ट क्वेश्चन y is 3 हो गया. सेकेंड क्वेश्चन में डबल आंसर आ रहा है. एक आपने क्या लगाया है, प्लॉट करके किया है, लेकिन जो इसके आंसर्स है ना सारे डबल ऑप्शन वाले हैं. तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ एक प्लॉट से नहीं काम चलना, आपको पाइथागोरस थ्योरम भी लगाओ. ठीक है, डबल आंसर आएगा, करो. दो आंसर आएंगे इसके सेकंड क्वेश्चन के, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जीरो और क्यों बोल रही हो? फाइव नहीं आ रहा, माइनस थ्री आ रहा है मेरे हिसाब से. वो लिखा है मैंने साइड पे आंसर. क्या आ रहा है आंसर दूसरा? ये सॉल्व करो पाइथागोरस थ्योरम से. थर्ड का आंसर वन आएगा, कैसे बताओ? दोनों प्राइम है, फाइव और थ्री, फाइव टू जो नंबर दिए वो भी प्राइम है. ये देखो ना, अगर आप पी और क्यू, सपोज करो आपने 17 और 3 निकाल लिया, आप 17 और 3 यहाँ पुट कर दो, सॉल्व करो, देखो क्या आता है. 2/2 आ गया 1. वैसे भी देखा जाए तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी सारे प्राइम है, तो प्राइम अपॉन प्राइम करके प्राइम ही आएगा. ठीक है, तो वन ही आ जाएगा. ठीक है, क्या कह रहे हो आप? 17 और 3 पुट करके देख लो, 2/2 वन आ रहा है इससे. ये करो, उसमें डबल आंसर आया कि नहीं सेकंड क्वेश्चन में? तो ये क्या आ रहा है, क्या आ रहा है सेकंड आंसर, ये तो बताओ. यो करो ना फिर, वो कहते 5 आ रहा है, लेकिन माइनस 3 देखा है मैंने तो आंसर. आप चेक करो क्या आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो. एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से करो, एक्स की डबल वैल्यू आनी चाहिए, देखो क्या आता है. क्या कर रहे हो क्वेश्चन, यहाँ से देखो वहां क्या है पीछे. पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. इसका डिस्टेंस निकालो, इसका और इसका डिस्टेंस फॉर्मूला आता है? पेपर कैसे देने हैं, जैसे इस बार दिए. पाइथागोरस थ्योरम तो लगाओ, वो तो आती है. कौन सा? फोर्थ क्वेश्चन बताते हैं, पहले वो तो करो कंप्लीट. सेकंड का आंसर एक और निकालो, डबल आंसर है.
किसका क्या, हाउ मेनी पॉइंट्स पूछा है, कितने पॉइंट्स जो हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे, ये पूछा है उसने। किसका 2 पॉइंट्स आएगा इसका आंसर, -3 नहीं आ रहा। इन्होंने पता है क्या लिखा है, इन्होंने सॉल्व नहीं किया, इन्होंने ये लिखा है कि ये जो पॉइंट है ना x,4, ये जो पॉइंट है इट इज लाइंग ऑन अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, सो इफ द इफ यू टेक द वैल्यू ऑफ x एज -3 और 0 तो इट विल बी पैरेलल टू योर x एक्सिस। तो इन्होंने सारी ऑप्शंस में से ऐसे ही चेक कर लिया बिना सॉल्व किए कि किस किस से राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है। देखो ऑप्शंस क्या दे रखी है, 0, 3, 0, -3, 3, -3, -3, 4 और 3, 4। अब अपनी फिगर जहां पे बनाई है ना वहां पे चेक करके देखो किससे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब एक बार x को 3 लेके देखो, एक बार x को 0 और एक बार -3, देखो किससे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। मतलब आप ऐसा करो ना, ये दोनों वैल्यूज x की है, एक एक बार सबके साथ देखो किसके साथ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जीरो तो आप कह ही रहे हो तो जीरो वाली ऑप्शन बस चेक कर लो चाहिए, क्योंकि तो एक आंसर तो आप कह ही रहे हो ना एक्स जीरो है, किसी और में तो जीरो है ही नहीं, तो ये रहने दो बाकी सारे, सिर्फ ये वाली ऑप्शन चेक कर लो कि -3 हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब एक्स की जगह -3 लेके राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या नहीं वो देख लो, करके देख लो, क्योंकि इन्होंने सॉल्व नहीं किया, इन्होंने ये रीजन दिया हुआ है, तो आप देख लेना वर्बली आप बन रहा है, मतलब यहाँ पर -3,4 के साथ देखो बन रहा है कि नहीं। आपने पहले जीरो लिया ना, 0,4 के साथ तो बन रहा है, -3,4 लेके देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या नहीं, बन रहा है, ठीक है फिर यही ऑप्शन है। एक्चुअली अगर आप एक आंसर निकालती हो ना तो वो ऑप्शन ही नहीं है, डबल वाली ऑप्शन है, तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। जीरो वाली ऑप्शन लिखोगे ना तो अब जीरो वाली एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करोगे, तो कितने पॉइंट्स आएंगे, 2 पॉइंट। एक्चुअली आपको कह रहा है कि ये x एक्सिस के ऊपर कितने पॉइंट्स आएंगे r एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। सपोज करो ये पॉइंट यहाँ था कहीं पे है, तो कहते हैं कितने पॉइंट्स आएंगे जो इससे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे x एक्सिस से, तो 2 ही आएंगे, ठीक है, तो 2 आएंगे, 2 पॉइंट्स। इसमें भी ऐसे ही ऑप्शन गिवन है, लिखो नेक्स्ट। The bisector of angle A, write down, the bisector of angle A meet BC at P, the bisector of angle A meet BC at P of triangle ABC. The bisector of angle A meets BC at P of triangle ABC if the coordinates of B, P and C are -1, -2, 2,
2, 1, 4, 7, find AB upon AC. पहले ट्रायंगल एबीसी बनाओ, एंगल ए का बाइसेक्टर बनाओ जो बीसी को पी पे मीट कर रहा है. इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पी एंड सी आर दीज, फाइंड एबी अपॉन एसी. आपको पता है एक रिजल्ट है जो किसी भी ट्रायंगल के किसी एंगल को बाइसेक्ट करती हुई जो लाइन होती है वो उसे इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है. इसकी स्टेटमेंट है द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल. आप समझ रहे हो, इक्वल नहीं डिवाइड करता, किस में डिवाइड करता है, रेशियो में. किसकी रेशियो में, फिर से सुनो, द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड, ये ऑपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल. ये कितनी है, जैसे ये ए है, बी सी और ये पी. हाँ जी, ये जो साइड है ना, पहले ए बी और ए सी निकाल लो, जो उनकी साइड्स की रेशियो आएगी उसमें डिवाइड कर रहा है. बात समझ रहे हो, पहले ए बी निकालो, ए सी निकालो. ठीक है, ये स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा देती हूँ, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यूज कर सकते हो. लिख लो, द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स, इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल. द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल. अब देखो एक मिनट, जैसे सपोज करो आपके पास ये एबीसी पॉइंट गिवन नहीं है, नहीं गिवन ना इस टाइम पे, क्या गिवन है, बी पी और सी. अब एक बात बताओ, आपको ये तो पता है कि एंगल बाइसेक्टर जो है इसको रेशियो में डिवाइड, इसको सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ये तो पता ही है आपको. इसका मतलब इन दोनों साइड्स की रेशियो, इन दोनों की साइड्स की रेशियो के इक्वल आ गया. मतलब AB by AC जो है वो BP by CP के इक्वल है. ये आपको गिवन नहीं है साइड्स, लेकिन आप इसकी रेशियो तो निकाल सकते हो, इसकी रेशियो निकाल सकते हो. इसकी लेंथ कहां से आएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से. इसकी लेंथ कहां से आएगी, जो डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों की लेंथ आएगी उसकी रेशियो आएगी 1/2. ठीक है, इसकी लेंथ निकालो, रूट 10 आ रही है, इसकी लेंथ आ रही है 2√10. जब आप रूट 10 को 2√10 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2. इसका मतलब इसकी रेशियो क्या है, 1:1:2. ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, ये भी गिवन है, रेशियो आ गई. अब आपने क्या फाइंड करना है, ए बी बाई ए सी फाइंड करना है. ठीक है, रेशियो सेम ही होगी 1/2. ठीक है, फर्दर कुछ और फाइंड करना हो तो आगे भी फाइंड. सपोज पी भी गिवन ना होता तो सेक्शन फॉर्मूला से पी आ सकता था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, फिर बीपी कैसे निकालते. ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे पहले बीपी की लेंथ निकालनी है, फिर सीपी की, दोनों की रेशियो आ गई 1:2. ठीक है, करो सॉल्व. आवाज बंद करो, इसमें पहले बीपी की लेंथ निकालो, फिर सीपी की, इसकी लेंथ √10, इसकी 2√10,
रेशियो करके आंसर आ गया 1:2। कंप्लीट करो सारे, फैक्टर करो। बैठ क्यों जाते हो, फैक्टर करो ना, वर्बली करो। 8 5 40 होता है, हाँ, इंटू 5। चलो ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, क्या आ गया, ठीक है रेशियो निकाल दो दोनों की। करो नेक्स्ट। सॉल्व करो, अगर इसकी जगह करते हो तो क्या आएगा, 7 times 1
11 cos square theta plus 3 cos square theta equal to 4. इसको सॉल्व करके 7 minus 4 cos square theta equal to 4. इसको यहाँ ले जाओ. क्या आ जाएगा? 3 is equal to 4 cos square theta. 3 by 4 cos square theta. Square root आके root लगाओगे. Root 3 by 2 cos theta. Cos की वैल्यू आ गई. वैसे आपको करना क्या चाहिए था? साइन में करना चाहिए था. अभी कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि आपको आंसर में चाहिए साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा. तो ये कॉस आ रहा है. अभी कॉट नहीं क्या, अगर ये किसकी वैल्यू है टेबल में, ये कब आता है? किस पे आता है? 30 पे. थीटा कितना आ गया? अगर कभी ऐसा होता है ना तो कॉस मत निकालने लग, साइन मत निकालने लग जाना, थीटा निकालो, थीटा पुट करो. यहाँ इन क्वेश्चन में दो वे है, या तो साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लो या थीटा निकाल लो. कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तो थीटा बेटर रहेगा. ठीक है, थीटा निकाल के पुट कर लो. इसका आंसर क्या आ रहा है? 7 वही है साइंस में थीटा इनटू टेन ऑफ थीटा, दैट इज एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई. देखो हमारा आंसर आ रहा है साइंस में इनटू टेन. साइंस में क्या है? वाई है, तो एक्स वाई आ गया. ये ना सैंपल पेपर में ना 5-6 क्वेश्चन हर चैप्टर के दे रखे हैं, दैट वहां पे लिखा हुआ है हेडिंग मस्ट डू बिफोर गो. तो मैं आपको आज वो सेंड कर दूंगी. 7-8 चैप्टर है ना सबके, तो 50 क्वेश्चंस के करीब ही होंगे. वो कर लेंगे. Thank you.
the